प्रसाद में लकीली मुझे कमल का फूल मिला है, माता रानी के चरणों का प्रसाद। सीढ़ी वाले रास्ते से चढ़ने से बहुत एनर्जी लगती है। एक विकेट और डाउन, वो ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर। Hey guys, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4:20 और पतिदेव नहा धो के हो गए हैं तैयार। आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग आधी नींद में उठ के जग गए हैं। मैं कर रही हूँ ब्रश, चार्जर केबल कैसे सोया देखो, और चार्जर केबल भी अपने साथ लेके सोया है। तो मैं ब्रश कर रही हूँ और माँ नहा रही हैं, बाकी सब लोग हड़बड़ हड़बड़ नहाना धोना करें क्योंकि हम लोग अभी सुबह करने वाले हैं चढ़ाई। वैसे मेरा मन था कि हम लोग शाम को चढ़ाई करते ताकि आराम आराम से करते, अब सब जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ करना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था यार, अभी नींद आ रही थी। ये पता नहीं कब उठ के नहा धो के रेडी हो गए, उसके बाद इन्होंने मुझे उठाया, उसके बाद भी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। उन्होंने ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके जल्दी से जा रही हूँ नहाने, नहा के रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करती रहूँगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए नहा धो के आपसे मिलती हूँ। आधे घंटे के अंदर सुपर फास्ट स्पीड में सब लोग रेडी हो गए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं, और हम लोग को लेना है यात्रा पर्ची। हमने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक की थी लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो वैलिड नहीं है, तो हमें ऑफलाइन जाके लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग यात्रा शुरू कर पाएंगे। एकदम अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। अभी टाइम हुआ है 5 और पापा जीजाजी लोग ये लोग गए हैं पैदल, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से। यहाँ काउंटर से हम लोग को लेना है यात्रा पर्ची। काउंटर से हम लोग को ऐसे कार्ड मिल रहे हैं, इनको कैरी करके हम लोग को ट्रैवल करना है, और बच्चे का नहीं लेना है क्योंकि बहुत छोटा है। बस जहाँ से हम लोगों ने यात्रा पर्ची ली है वहीं से ऑटो करके हम लोग जाएंगे बाणगंगा तक, वो उसके बाद वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे यात्रा। ये रहा मेन गेट जहाँ से हम लोग को यात्रा शुरू करनी है। और वो एकदम ऊपर रहा माता रानी का दरबार। बच्चों के लिए हमने प्रैम किया है क्योंकि ये लोग छोटे हैं, इनको गोद में लेके जा नहीं सकते और पैदल ये लोग चल नहीं सकते, तो ये लोग चलेंगे प्रैम से हम लोग के साथ ही पैदल पैदल। सब कुछ सेटल डाउन करके हम लोग 6 बजे यात्रा शुरू कर रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जी लोग आ रहे हैं घोड़े से, बच्चे हैं प्रैम से, और जो मजबूत लोग हैं वो चल रहे हैं पैदल। ए बाप रे, बहुत वैसा है एकदम स्ट्रेट। अभी कुछ नहीं प्रीति, स्टार्ट है। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे नहीं पता, तो मैं तो यही मान के चल रही हूँ ठीक होगा रास्ता, चल लेंगे चल लेंगे। लगे मम्मी तो बता देना। हाँ और यहाँ से टोटल रास्ता है 13-14 किलोमीटर, हम लोग को पैदल चलना है। और रास्ते में एक साइड पे दुकानें हैं और एक साइड पे ऐसे पहाड़ है, तो वो पूरा काट के रास्ता बना हुआ है। और अब उजाला भी हो गया है पहला, और अभी सब लोग ना अपनी स्पीड के हिसाब से आगे पीछे हो गए हैं। हम 3 लोग एक साथ हैं, दीदी बच्चों के साथ, प्रैम वाले के साथ हैं। दीदी बच्चों के साथ ही भागे। दीदी की स्पीड सबसे तेज है, वो सबसे आगे रहती है। पिछली बार भी प्रियम के साथ, प्रैम के साथ साथ गई थी एकदम। हम लोग की स्पीड कम है तो हम तीनों लोग साथ में हैं, हम तीनों लोग लो बैटरी वाले लोग। अच्छा किया ये डंडा ले लिया, चढ़ाई के लिए सही है। हाँ और जो नहीं चल पाते हैं ना, जैसे एज्ड लोग होते हैं, वो पालकी भी कर सकते हैं क्योंकि घोड़ा भी रिस्की रहता है, इसीलिए सेफ है कि एज्ड लोग पालकी से जाएं।
और एक पालकी को उठा रहे हैं चार लोग। आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना भैया, रोज आना रोज जाना। कितना ऊपर है, कितना किलोमीटर है यहाँ से, कितना भैरव तक की चढ़ाई कितनी है? 36। अरे बाप रे, 18 किलोमीटर जाना भैरव बाबा तक और 18 किलोमीटर आना, तो टोटल हो गया 36। रास्ते में ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं, वो हम लोग वापसी में आके दर्शन करेंगे। अभी सबसे पहले माता रानी के दर्शन। पसीने से हम सब लोग एकदम तर बदर हो गए हैं। कितना किलोमीटर चले होंगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में ही सबकी बैटरी डाउन होने लगी है। खाली पापा और इनकी एनर्जी फुल है, वो लोग फुल स्पीड में चल रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि एक विकेट और डाउन। मुझे भी लगेगा तो मैं भी आगे चल के बैठूंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं चल के जाऊँ। ये सब सबसे मजे इन लोगों के हैं, प्रेम में बैठ के रास्ते का मजा लेते हुए जा रहे हैं। जय आगे देखो, आगे बोल रहे हैं। बाय बाय। पापा बता रहे हैं कि पापा 92 में आए थे, तब सीढ़ियां बनी हुई थी, ये रास्ता भी ऐसे फ्लैट नहीं था, तब पूरा चढ़ के गए थे और जितनी बार आए हैं अब तक हर बार पैदल चलते हैं। आर्मी मैन स्ट्रांग रहते हैं पापा, हम लोगों में उतना दम नहीं है। और पापा यहाँ कई साल रह भी चुके हैं, आर्मी में थे तो यहाँ पे पोस्टेड थे। कितने साल थे पापा आपके यहाँ? 7 साल। 7 साल पापा यहाँ पोस्टेड रहे हैं, श्रीनगर, लेह और लद्दाख। नहीं, हाँ लेह लद्दाख। मैं और पापा चल रहे हैं साथ साथ, बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं। लोग पैदल चलते हैं ना, अगर थक जाते हैं तो यहाँ पे मसाजर भी लगे हुए हैं, मसाजर सीट है, मसाज करवा सकते हैं। ये है सीढ़ियों वाला रास्ता जो कि बहुत टिपिकल है भैया। ना बाबा, इसी से चलिए। सीढ़ी वाला रास्ता शॉर्ट है, क्या करें, चलें। यार ऐसा ना हो कि हम भी थक जाएं और इस रास्ते पे कुछ मिलेगा भी नहीं। बीच में मिलता है ना इसी रास्तों में। ठीक है तो हम लोग चल रहे हैं सीढ़ियों से। सीढ़ी वाले रास्ते से चलने तो बहुत एनर्जी लगती है, थोड़ी सीढ़ियाँ हम लोगों ने चढ़ी, मुझे तो मेरी बैटरी डाउन हो गई। पापा लोग की हिम्मत है, वो लोग जा सकते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को एनर्जी है, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, मैं तो भैया इसी वाले फ्लैट रास्ते से चलूँगी। इसके स्टेप्स ना थोड़े चौड़े बने हुए हैं जिसकी वजह से बहुत, हाँ हाइट ज़्यादा है, तो मैं नारियल पानी पी लेती हूँ उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं, ऐसे निकल आए थे अर्ली मॉर्निंग। नारियल पानी पी के मुझे सुपर एनर्जी आ गई थी, मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे आ गई हूँ। पापा और पतिदेव पीछे हैं, तो मैं अभी बैठ के वेट कर रही हूँ उनका कि वो आ जाए, और बड़ी वाली दीदी प्रेम के साथ बच्चों के साथ पीछे हैं। इधर से आएंगे वो लोग, वेट करें, फिर हम लोग जाएंगे इधर। और अभी भी अर्धकुमारी यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो हमने चढ़ाई करी अभी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। ये आ गए, तो
दीदी नहीं है ना, दीदी मुझे लग रहा आगे ही गई है, पापा है ना पीछे, चले हम लोग। इतने नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं, एक टाइम पे तो लग रहा था यार बस अब एक कदम और नहीं चल सकते, लेकिन पापा और पतिदेव दोनों लोग हिम्मत बंधा बंधा के नारियल पानी पिला के कुछ कुछ खिला के यहाँ तक लेके आ गए। बाकी सब लोग पहुँच गए आरती कुमारी, क्योंकि वो लोग तो घोड़े से गए हैं, हम लोग पैदल हैं तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कितना और बचा यार, मेंटली प्रिपेयर करेंगे खुद को जान के कि कितना बचा है अभी। कदम भी नहीं चल पाऊंगी, लेकिन म्यूजिक सुन के एनर्जी आ गई है फिर से। हेडफोन लगा लो। हेडफोन में वो बात नहीं रहेगी यार जो यहाँ के ओरिजिनल म्यूजिक में है। एक्चुअली डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है ना ये जो एकदम ऐसे स्ट्रेट चढ़ाई है वो दिक्कत कर रही है, और अभी अभी हमें बहुत चढ़ना है। मेरे गाल एकदम लाल लाल हो गए हैं, वो ऊपर जाना है, और पता है कितने नीचे से हम लोग आए हैं ना कि वो यहाँ दिख भी नहीं रहा है, कितने नीचे से आए हम लोग। इसी को कहते हैं जीवन साथी, तेज चल रही हूँ तो तेज मेरे साथ चल रहे हैं, धीरे चल रही हूँ तो धीरे चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे मेरी हिम्मत टूट रही है वहाँ वहाँ मुझे हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं। माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा जीवन साथी देने के लिए, बस हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। इधर मुंह दिखाइए। जय माता दी। यहाँ पे माँ पापा दीदी हैं, अब हम लोग पहुँचे हैं अर्ध कुमारी है ना। दीदी और बच्चे पीछे हैं ना? नहीं वो लोग आगे थे, ये लोग तो रुके थे ना कितनी देर, लेकिन मिले नहीं कहीं पे, फोन भी नहीं है दीदी के पास। दीदी और बच्चे पीछे हैं क्योंकि वो जब मैंने तुम लोगों से कहा था ना तो वो पीछे थी तुम लोग से। अभी हम लोग पहुँचे हैं अर्ध कुमारी, और बैटरी रिक्शा के लिए हमें टिकट लेना है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो ना तो भी आपको इधर एक दूसरी लाइन है उसमें जाके ऑफलाइन भी लेना पड़ेगा, तो हम लोग इधर ऑफलाइन ही लेंगे। अगर ऑनलाइन लेते तो भी आपको यहाँ पे आके टिकट निकालनी पड़ती है। नहीं मिल रही थी ना, बुक हो गया था सब। हाँ नहीं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो भी इधर लाइन लगा के आपको निकलवानी ही पड़ेगी टिकट, वो टिकट लेनी ही पड़ेगी। हाँ तो हम लोग ऑफलाइन लेंगे, तो उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये वहाँ से लेके पूरा बहुत लंबी लाइन है और बहुत टाइम लग रहा है टिकट लेने के लिए, तो हमने सोचा कि हम टिकट नहीं लेंगे, बैटरी रिक्शा से नहीं जाएंगे, अब सब लोग पद यात्रा करेंगे। छः बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी और 7:30 बजे हम लोग अर्ध कुमारी पहुँचे थे, और अभी हम लोग हैं भवन वाले रास्ते पे, देखते हैं कि भवन पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसी स्पीड में चलेंगे तो हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। वैसे मैंने सोचा था 4-5 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन बहुत स्पीड में आए हम लोग। 4 घंटे मैक्सिमम है, मैक्सिमम 4 घंटे में पहुँच जाएंगे भवन। Hey, man.
माता दी, जय माता दी, आगे वाले, जय माता दी, पीछे वाले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, अभी हम लोग को चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे ना 24 आवर्स के लिए रूम बुक किया हुआ है ताकि हम लोग जाके चेंज कर लें। वैसे हम लोग नहा धो के निकले थे लेकिन फिर भी इतना पसीना पसीना हो गया ना, पूरे कपड़े गीले हो गए, तो हम लोग पहले चेंज करेंगे जाके। और हमने जहाँ पे बुक किया ना वो हमें मिल नहीं रहा है, वैष्णवी भवन में हमने बुक किया है रूम, देखते हैं किधर है। पहुँच गए हम लोग वैष्णवी भवन और इधर देखो हिरण है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। ये है रूम और यहाँ हम लोग थोड़ी देर रेस्ट क्या करेंगे, अभी हम लोग चेंज करेंगे। वैसे तो नहा धो के ही निकले थे हम लोग, लेकिन हम लोग प्लान करें कि साड़ी पहन के जाएं दर्शन करने। तो ये रहा सामने माता रानी का दरबार और यहाँ है हमारा रूम, बस फिर तुरंत रेडी होके निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि लाइन जो है ना वो भी बहुत लंबी लग गई है। नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पहनी है ये साड़ी और ये सुंदर सा ब्लाउज जिसपे ये देखो ऐसी प्रिंट है, फेस प्रिंट बना हुआ है माता रानी का। और टाइम हुआ है 11:50, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। इधर दिखाओ सामने है हमारे माता रानी का दरबार और बस ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ निकल उतर के हम लोग को जाना है दर्शन करने के लिए, लेकिन लाइन जो है वो बहुत लंबी लग गई है। अगर हम रात में निकलते सुबह आते दर्शन करते तो आराम से हो जाता, लेकिन हम सुबह निकले और 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे, फिर खाया पिया नहाया धोया थोड़ा रेस्ट किया, तो अब जाएंगे दर्शन करने तो अब हमें टाइम लगेगा। तो बस यार और वेट नहीं करते हैं, तुरंत यहाँ से चलते हैं। हम लोग अभी निकले हैं दर्शन करने के लिए और इसके बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ना रोपवे से हम लोग सोच रहे थे जाएँ ताकि जल्दी दर्शन हो जाए और हम लोग को आज ही नीचे भी उतरना है, लेकिन भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे का रास्ता जो है ये तो बहुत कठिन है, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हमें रोपवे के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो हमें किसी को भेजना पड़ेगा कि वो जाके टिकट्स ले ताकि हम लोग जल्दी दर्शन कर पाए। और मैंने और संगति ने सेम सेम साड़ी पहना है, माता रानी के दर्शन हम लोग के हो गए हैं और बज गया है 2, अभी हम लोग को जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने। और प्रसाद में लकीली मुझे कमल का फूल मिला है, माता रानी के चरणों का प्रसाद, बाकी किसी को नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? ये अच्छा फूल, हाँ वो सिर्फ मुझे मिला है। तो बस बाकी सब लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, अभी हम लोग जाएंगे पहले कुछ खाएंगे उसके बाद आगे का देखते हैं क्या करना है। रोपवे मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है कि रोपवे के लिए टिकट हम लोग को मिल पाएगी, और हम लोग मैं और संगंदी नंगे पैर ही आए थे। थोड़ी देर चलो, बिना खाए पिए सबने दर्शन किए थे, 2:15 हो गया है, अब सब लोग खाना खा रहे हैं और फिर से हम लोग जैसे भूखड़ों की तरह जुट गए। बिना खाए पिए सबने दर्शन किया था तो दबा के बहुत चल रहा है, मेरे रोपवे वाला मिल नहीं पाएगा। रोपवे के लिए बहुत लंबी लाइन, ओ बाबरे इतने लोग हैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए। पहले तो आपको टिकट लेने के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका नंबर आए, देन आप जा सकते हो। 4:30 बजे हम लोग को रोपवे की टिकट मिल पाई है और हम लोग जा रहे हैं रोपवे के लिए, देखते हैं कि वहाँ पे कितनी वेटिंग है। आई थिंक कमी वेटिंग है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है शायद। देख देख के एंजॉय कर रहे हैं ना, रोपवे और हम जा रहे हैं रोपवे में बैठ के।
दर्शन करते। और एक चीज अच्छी है, मुझे लगा था कि ऐसा ना हो कि उधर से हम लोग को वापस से लाइन लगा के फिर आना पड़े, लेकिन ये रोपवे जो है ये हमें लेके, हाँ टू वे है, हम जाएंगे भी इसी से, और 6 बजे से पहले हमको वापस भी आना है क्योंकि लास्ट जो रहता है वो 6 बजे तक है। तो अगर आपको आना है तो भाई टाइम से आओ नीचे, नहीं तो फिर पैदल आना पड़ेगा। और लाइन देखो अभी भी ये पूरी लंबी लाइन है रोपवे में जाने के लिए। ये हम लोग पहुंच गए भैरव बाबा ऊपर, बहुत भीड़ है यहाँ, जितनी माता रानी के दरबार में भी नहीं थी। एक्चुअली हम लोग दोपहर में पहुंचे थे तो इस वजह से इतनी भीड़ नहीं थी, यहाँ बहुत भीड़ है। और ऊपर है मंदिर, वहाँ हमें जाना है, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब मना है, तो फोन यहाँ पे नीचे छोड़ के जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, देन आपसे मिलेंगे। वो ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, दर्शन करके हम लोग आ गए यार, अब बस अब रिलैक्स, अब बस खाली नीचे उतरने का है। माता रानी का दरबार यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि एकदम कोहरा कोहरा। हाँ वो उधर है, इसमें नहीं दिख रहा है कैमरे में, हाँ नहीं दिख रहा है इसमें कैमरे में। सुबह 6 बजे हमने यात्रा शुरू की थी दर्शन करके, भैरवनाथ के दर्शन करके, अब शाम को 6 बजे हम लोग फिर से वापसी कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। पिछली बार तो सोनू जीजा और बड़े वाले जीजा ये लोग घोड़े से गए थे, इस बार सब लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, उतरने में कोई नहीं लगता है क्योंकि स्लोप जैसा है ना, तो आराम से उतर सकते हैं चढ़ने में, लेकिन हालत खराब हो गई थी हम लोग की। जय माता दी। हिमकोटी पहुंच के हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। 2.5 किलोमीटर यहाँ से बचेगा, अर्धकुमारी यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, वहाँ से 6 किलोमीटर, वहाँ से 6 किलोमीटर है बाणगंगा। नाश्ता करके हम लोग उतर रहे हैं नीचे, और इतनी स्पीड में उतर रहे हैं ना, बहुत कम टाइम बहुत बहुत हो गया है। और जो दो फूल कुमार है ना वो पीछे है, जीजा जी लोग दोनों लोग पीछे हैं, और बड़ी स्पीड पे डाले हुए हैं कि पैदल चल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी से वो थोड़ा करेंगे तब जाएंगे नीचे। रात का नज़ारा बहुत अद्भुत रहता है, लेकिन हम लोग के पास टाइम है, लेकिन पतिदेव को जाना है तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं, वरना रुकते रुक के रात में ज़रूर दर्शन करते। जितना हम लोग को आने में मज़ा नहीं आता ना, उतना नीचे उतरने में मज़ा आ रहा है, दौड़ दौड़ के जोर से बोलो, सारे बोलो पापा आधे घंटे के वापस आ गए। गंगा इतनी स्पीड में आया ना कि बस पूछो मत, सवा दो घंटे में। कितना टोटल कितना हम लोगों ने तय किया होगा सफर वहाँ से, 14 किलोमीटर हम लोग चल के आए 2.25 घंटे में, एकदम मजा आ गया।
जयकारा लगाते हुए नाचते गाते हुए फंस गए हम लोग नीचे। और जीजा जी लोग वो अभी भी ऊपर ही हैं जो घोड़े से आ रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे वो लोग। मतलब नीचे हम लोग पहुंच गए तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब आराम करते हैं, अब मसाज करवा लेते हैं, अब सब लोग बैठेंगे। दीदी मसाज करवाने लगी, मम्मी भी बैठ गई हैं, मैं भी जा रही हूँ बैठने। अब मजा आएगा सफर का, कैसा लग रहा है? खतरनाक गुदगुदी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। सब लोग मजे ले रहे हैं। दर्शन करके खाना पीना खा के हम लोग आ गए हैं अपने होटल। और यार पैर में ना एकदम ऐसे वाला दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वाला दर्द हो रहा है। तो मैं और माँ दोनों लोग गर्म पानी में पैर डाल के बैठे हैं, सिकाई कर रहे हैं। सिकाई करने के बाद सो जाएंगे, आराम करेंगे और आज के ब्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और आप लोग भी खूब मजे करो, खूब इंजॉय करो। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।